सुनने में आ रहा था कि 2-3 दिन के बाद शायद हो सकता है कि चिराग पासवान जी शपथ ग्रहण करें, ऐसा कुछ हाजीपुर को लेकर बहुत सारी मतलब जो सामने आ रही है बातें। दूसरा आदमी दुनिया में क्या कर रहा है समूह को मतलब। अच्छा, समस्तीपुर सीट को लेकर क्या कहिएगा? हम लोग अपना काम कर रहे हैं समस्तीपुर सीट पे, लगातार उधर से बयानबाजी होता है, इधर से भी बयानबाजी होते रहता है। हाथी चले बाजार, बाकी आगे की कहावत आप जानते हैं। जिसका स्थिर जमीन है उसको आप लोग हटा रहे हैं, जो प्रवासी पक्षी है वो कितने दिन आकर के यहाँ टिकेंगे? कभी प्रशांत किशोर जी के यहाँ जाते हैं, कभी लालू जी के यहाँ जाते हैं, तेजस्वी जी से मीटिंग करते हैं, कभी भाजपा का दरवाजा, वो जहाँ पलड़ा भारी देखेंगे वहाँ टिकेंगे। नित्यानंद राय के साथ जमीन का दलाली करने के लिए दोनों आदमी का मीटिंग हुआ। अच्छा। कहाँ से ये पॉलिटिकल मीटिंग था? किस तरह की जमीन की दलाली? आप लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों के कई सांसद जो हैं उन लोगों के टच में हैं। अरे भाई, तो टच में है तो काहे नहीं मिला लेते हैं, हमारे टच में थे हम तो तोड़ कर दिखा दिए। नमस्कार, आप बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, प्रिंस राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस राज जी, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है आपके उस पार्टी की, भाई लगातार मतलब सुनने में आ रहा था कि 2-3 दिन के बाद शायद हो सकता है कि चिराग पासवान जी शपथ ग्रहण करें, ऐसा कुछ हाजीपुर को लेकर बहुत सारी मतलब जो सामने आ रही है बातें। दूसरा आदमी दुनिया में क्या कर रहा है समूह को मतलब। अच्छा, लेकिन ये भी तो सुनने में आ रहा है कि हाजीपुर सीट को लेकर कि भाई वो छोड़ेंगे नहीं, इधर एनडीए के साथ भी मतलब बात। स्वतंत्र हिंदुस्तान है, जहाँ से जो लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। तो फिर उसमें पशुपति पारस जी भी है वहाँ पे। स्वतंत्र हिंदुस्तान है, एक जगह एक सीट से कई सारे लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, 10-15 लोग चुनाव में नॉमिनेशन भरते हैं, सब स्वतंत्र। एनडीए के साथ की बात, वो उनकी सिरदर्दी है। वो भी तो एनडीए में जा रहे हैं भाई, हो रहा है वो, उनकी सिरदर्दी है वो। अच्छा, और समस्तीपुर सीट को लेकर क्या कहिएगा? हम लोग अपना काम कर रहे हैं समस्तीपुर सीट पे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग मजबूत एनडीए का हिस्सा हैं, ईमानदार अलाय हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मंत्रिमंडल का सुन रहे हैं कि विस्तार होगा, उसमें चिराग पासवान को भी कुछ ये मिलने वाला है भाई, आप जब होगा तब देखा जाएगा। क्यों आप उस पर कुछ नहीं बोलेगा? इस पे हमको क्या बोलना है? क्यों लगातार उधर से बयानबाजी होता है, इधर से भी बयानबाजी होते रहता है। हाथी चले बाजार, बाकी आगे की कहावत आप जानते हैं। धन्यवाद। 2 साल से शपथ तो करवा क्या क्या 2 साल से आप शपथ तो करा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? 2 साल से उनका शपथ ग्रहण हो रहा है, देखिए प्रभु दिन किस दिन मना दे उनका शपथ ग्रहण का। अच्छा, नहीं मन पाएंगे अब तो समय बताएगा। अभी लोकसभा का सदन चलने वाला है, प्रधानमंत्री विदेश हैं, कहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है? हाजीपुर में पहुंचे थे भाई कि हाजीपुर छोड़ेंगे नहीं, इधर बीजेपी के साथ भी गठबंधन करने जाने थे, ऐसे में आप रहिएगा कि इधर? अरे भाई, जिसका स्थिर जमीन है उसको आप लोग हटा रहे हैं, जो प्रवासी पक्षी है वो कितने दिन आकर के यहाँ टिकेंगे? उनका देखिए, क्यों जमुई छोड़ के भाग रहे हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने चले थे, जमुई को किस स्थान पर रखे हैं? जमुई को तो लावे एक नंबर पर। क्यों नहीं मिलने वाला है अगर बीजेपी के साथ में वो जा रहे? अरे हाजीपुर तो हम लोग मना रहे हैं कि सबसे कमजोर उम्मीदवार होंगे, आ जाए हाजीपुर में लड़ लें, उनको हम लोग नॉमिनेशन के साथ ही चित करने का काम। कैसे लड़ लें भाई, एनडीए में आप हैं, वो भी एनडीए के साथ जा रहे हैं? देखिए, उनका 3 डाल पर बैठे हुए हैं, कभी प्रशांत किशोर जी के यहाँ जाते हैं, कभी लालू जी के यहाँ जाते हैं, तेजस्वी जी से मीटिंग करते हैं, कभी भाजपा का दरवाजा, वो जहाँ पलड़ा भारी देखेंगे वहाँ टिकेंगे। अब आप लोग आकलन, नित्यानंद राय जाकर मिल रहे हैं, नित्यानंद राय के साथ जमीन का दलाली करने के लिए दोनों आदमी का मीटिंग हुआ। अच्छा। कहाँ से ये पॉलिटिकल मीटिंग था? किस तरह की जमीन की दलाली? अरे मठ का जमीन बहुत सारा हड़पे हुए हैं लोग हाजीपुर में, कबीरपंथी मठ का, उसके लेकर के बराबर बेचने का बात चलता है, उसके लिए दोनों आदमी का मीटिंग होते रहता है, हर एक सप्ताह इन लोगों का मीटिंग होता है। आप लोग तो कई बार मीडिया में दिखाए हैं। मीडिया में ये भी तो चल रहा है कि बहुत जल्द ही अमित शाह से भी मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी से भी ये होगा। हुआ है, कौन सा फुटेज है आप लोग जरा सा दिखा दीजिए। आप लोग पूरे देश के मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि कोई इधर मुलाकात हुआ है तो फुटेज दिखा दें। 2 साल के अंदर बोल रहे थे वो लोग कि भाई हम लोग बता देंगे कि इंडिया के साथ। चिराग पासवान वही है कि भूपेंद्र जी जा करके सीट शेयरिंग पर बात करते हैं, मीडिया में चलाते हैं कि मनाने के लिए आए, ये कब रूठे रहते हैं, कब मानते हैं, कब क्या करते हैं, तो चिराग पासवान के बारे में भगवान ही मालिक है। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों के कई सांसद जो हैं उन लोगों के टच में हैं। अरे भाई, तो टच में है तो काहे नहीं मिला लेते हैं, हमारे टच में थे हम तो तोड़ कर दिखा दिए। ये सब उनका देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर है, चिराग पासवान को बिहार की जनता को थोड़े समझने में टाइम लगेगा।
देखिए प्रिंसराज जी और केशव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि यह कह रहे हैं कि भाई 2 साल से यह खबरें चल रही है कि वो किनके साथ मिलेंगे, कब वो मंत्री बनेंगे, ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं है। नित्यानंद राय जो कि उनसे मिलने गए थे उस पर भी बड़ी बात कह दिए हैं, कह रहे हैं कि भाई वो जमीन की खरीद बिक्री के लिए वो लोग मिलते रहते हैं और मीडिया में झूठ मूठ के अफवाहें उड़ाई जा रही है। और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि भाई हाजीपुर तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपने सुना ही कि प्रिंस राज ने किस तरह से जवाब दिया है कि हाथी चले 1000 और भी कुछ उन्होंने बोला है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।